আঙ্গিরি তো আসলে সবার প্রথম ব্রিটিশদেরকে বিজনেস করার জন্য পারমিশন দেয়, এলিট শ্রেণীতে তৈরি করে তাদের মধ্যে একটা ডিভাইডেশন তৈরি করে। যখন মানুষ শহরের দিকে আসা শুরু করলো, ব্যবসার পরিধি বড় করতে দেওয়া যায়, ইংরেজরা ঠিক সেই সুযোগটাকেই কিন্তু কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে 200 বছর শাসন করে গিয়েছে। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছু রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আজকে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হাউ ডিড ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্ড মোগল এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া, মডার্ন হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ফর ইউপিএসসি। তো এই ভিডিও থেকে আমরা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ এবং মোগলদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারবো। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি আইকিউ থেকে। তো ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। হাউ ডিড ব্রিটিশ এন্ড মুঘল রুল, স্টাডি আইকিউ মে আপকা স্বাগত হে। মেরা নাম হে আদেশ সিং। আজ হাম সমঝনে কি কোশিশ করেঙ্গে কি ব্রিটিশার্স নে মুঘল রুল কো কেসে খতম কিয়া। জো কাম আফগান, রাজপুত অর মারাঠাস নহি কর পায়ে, वो दूर देश से आए अंग्रेजों ने कैसे कर दिखाया, इसका उत्तर जानने के लिए आपको 17th और 18th सेंचुरी एडी में चल रहे पावर स्ट्रगल और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा। और इसको समझने के लिए आज के इस लेक्चर में हम रेफरेंस लेंगे चाणक्य नीति का, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स जैसे साम, दाम, दंड, भेद को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी में न जानते हुए अपनाया। दोस्तों, चाणक्य नीति में साम का अर्थ परसुएशन, दाम का मतलब बायआउट या ब्राइब करना, दंड का अर्थ पनिशमेंट और भेद का मतलब डिवाइड एंड रूल से होगा। आइए अब ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रिटिशर्स द मॉडर्न चाणक्य। कहानी की शुरुआत होती है 1600 AD से। कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स आपस में मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, और फिर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के रॉयल चार्टर से उन्हें ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। ट्रेड करने के इरादे से कैप्टन हॉकिंस और उनके बाद थॉमस रो मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आते हैं। वो उन्हें ढेर सारे गिफ्ट देते हुए इंग्लैंड के साथ ट्रेड करने के फायदे भी बताते हैं। पहले तो जहांगीर कुछ नोबल्स और पोर्चुगीज के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी रॉयल फेवर देने से इनकार कर देते हैं, परंतु ब्रिटिशर्स की कंसिस्टेंट पर्सुएशन मुगल एम्पायर को ट्रेड और टैक्स कलेक्शन में होने वाले फायदे के कारण आखिरकार जहांगीर रॉयल परमिशन दे देते हैं। इसको हम चाणक्य नीति की परिभाषा में साम कहते हैं। शाही फरमान यानी एम्परर्स ऑर्डर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल पेमेंट के बदले पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रीज खोलने और ट्रेड करने की इजाजत मिल जाती है। शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिशर्स एक एक कर सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, पटना इत्यादि जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज स्थापित कर देते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड, रूल ऑफ लॉ और बेटर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के कारण इन फैक्ट्रीज के अराउंड सिटीज फ्लरिश करने लगती हैं, और दूर दूर से इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स इन सिटीज की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स की एम्बिशंस बढ़ने लगती हैं। पहले उनका इंटरेस्ट सिर्फ ट्रेड में था, पर अब उन्हें लगने लगा कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने से उनका ट्रेड करना और आसान और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसी लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी 1686 AD में औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ देती है, पर अंग्रेजों की सेना औरंगजेब के सामने टिक नहीं पाती और बुरी तरीके से हार जाती है। इस लड़ाई में हुई हार के बाद ब्रिटिशर्स को अच्छे से समझ आ जाता है कि माइटी मुगल एम्पायर को हराने के लिए पर्सुएशन, ब्राइब और पनिशमेंट के साथ साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी भेद नीति का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रिटिशर्स औरंगजेब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और आगे ऐसी भूल ना करने की कसम खाते हैं। औरंगजेब भी इंडियन क्राफ्ट्समैन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए 15,000 रुपए का जुर्माना लगाकर ब्रिटिशर्स को माफ कर देते हैं, और ये माफी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आगे चलकर
बहुत क्रूशल लाइफलाइन साबित होती है। 1707 एडी में औरंगजेब के मरने के बाद सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और कई वीक एम्परर्स के गद्दी संभालने के कारण मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, जिसका डायरेक्ट फायदा ब्रिटिशर्स को होता है। आइए देखते हैं ब्रिटिशर्स ने इस पावर स्ट्रगल का कैसे फायदा उठाया। वीक सक्सेसर्स एंड द पावर स्ट्रगल। वीक सक्सेसर्स की प्रेजेंस में मुगल कोर्ट कंस्पिरेसीज और पावर स्ट्रगल का गढ़ बन जाता है। ऐसी नाजुक स्थिति में एम्परर फारूक सियार 1717 एडी में ब्रिटिशर्स को एक शाही फरमान इशू करते हैं। इस फरमान के अनुसार एक एनुअल पेमेंट के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे मुगल टेरिटरी में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत मिल जाती है। इसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स अपने गुड्स पर 10% यानी कि ड्यूटी फ्री परमिट इशू कर सकते थे, जिसे देखकर कोई भी लोकल रूलर उस पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकता था। पर ब्रिटिशर्स इस 10% सिस्टम का मिसयूज करने लगते हैं। ये देखकर बंगाल के नवाब्स ब्रिटिशर्स को 10% का मिसयूज करने से रोक देते हैं और बंगाल में बनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने से भी मना कर देते हैं। इसी बीच पर्शिया के रूलर नादिर शाह पर्शिया को बदहाली से निकालने के लिए 1739 एडी में भारत पर आक्रमण कर देते हैं। इस समय के मुगल रूलर मोहम्मद शाह इस रेड के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। मुगल कोर्ट में चल रही कंस्पिरेसीज के कारण नादिर शाह बहुत ही आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और 70 करोड़ की धन संपत्ति, कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन के साथ पर्शिया वापस लौट जाते हैं। अच्छा। इस लूट से मुगल एम्परर की प्रेस्टीज को इररेपरेबल लॉस होता है, जिससे डेक्कन में मराठास और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। पर इन दोनों पावर्स को यह पता था कि मुगल एम्परर को गन पॉइंट पर हटाना बेवकूफी होगी, क्योंकि मुगल एम्परर भले ही वीक हो पर वो इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के ग्रेटेस्ट सिंबल थे। अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठास, ब्रिटिशर्स कोई भी हो, सभी मुगलों की नॉमिनल सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करते थे, जिससे उनके रूल को लेजिटिमेसी मिलती थी। अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल के स्ट्रॉन्ग रूलर यानी कि नवाब को हटाने की प्लानिंग करते हैं। पर ब्रिटिशर्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे कि वो बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को डायरेक्ट चैलेंज कर सके। अच्छा। इसलिए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने चाणक्य नीति के भेद को कैसे यूज किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल के बिगेस्ट बैंकर जगत सेठ की सपोर्ट से अपने साथ मिला लेते हैं और 1757 एडी में हुई बैटल ऑफ प्लासी को आसानी से जीतने के बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफर को पपेट नवाब बना देते हैं। इधर मराठास जोश में आकर 1759 एडी में गद्दी पर बैठे मुगल एम्परर शाह आलम टू से मिलकर उन्हें प्रोटेक्शन देने की पेशकश कर देते हैं। फिर क्या था, मुगल एम्परर की सारी प्रॉब्लम्स अब मराठास की प्रॉब्लम थी। नादिर शाह के मरने के बाद उसका जनरल अहमद शाह अब्दाली फिर से दिल्ली पर रेड करने आने वाला था। 1761 में अब्दाली को रोकने के लिए गई मराठास की सेना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरह से हार जाती है। मराठास की इस हार के कारण इंडियन पॉलिटी में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उधर अब्दाली भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस वॉर को जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर सके। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से ये तो नहीं डिसाइड हो पाया कि कौन भारत का अगला शासक बनेगा, पर यह जरूर डिसाइड हो गया कि कौन भारत का अगला शासक नहीं बनेगा। ब्रिटिशर्स इस पॉलिटिकल वैक्यूम का पूरा फायदा उठाते हैं। 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम टू और अवध के नवाब की जॉइंट सेना को हरा देते हैं और जीतने के बाद हुई ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के अंतर्गत ब्रिटिशर्स मुगल एम्परर से बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हासिल कर लेते हैं। पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हार के कुछ सालों बाद ही मराठास, मैसूर और हैदराबाद ब्रिटिशर्स को जॉइंटली डिसलॉज करने की लास्ट कोशिश करते हैं, पर ब्रिटिशर्स अब चाणक्य नीति अप्लाई करने में एक्सपर्ट हो चुके थे। आइए जानते हैं ब्रेकिंग द मराठा मैसूर हैदराबाद अलायंस। ब्रिटिशर्स
सबसे पहले मराठा सरदार्स के बीच हो रही इंटरनल पावर स्ट्रगल को यूटिलाइज करते हुए एक के बाद एक एंग्लो मराठा वॉर्स में सिंधिया, भोसले, होलकर और गायकवाड़ को डिवाइड कर देते हैं। कुछ से दोस्ती और कुछ से दुश्मनी करते हुए ब्रिटिशर्स मराठास को सेपरेट बैटल्स में ओवरपावर कर देते हैं। धीरे-धीरे सिंधिया और भोसले लॉर्ड वेलेसली की सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सेना प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल ट्रिब्यूट। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम को ब्राइब देकर ब्रिटिशर्स एंटी ब्रिटिश अलायंस के सेकंड पिलर को भी तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इसके कारण मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं और बड़ी ही बहादुरी से लड़ने के बावजूद 1799 AD में हुए फोर्थ और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो रही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रंट पर भी ब्रिटिशर्स मुगल्स का सूटेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आइए समझते हैं कैसे। सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल्स हों या मराठास, सभी 18th सेंचुरी इंडियन पावर्स सेम ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहे थे। उनके मेजर रेवेन्यू सोर्स हेल्पलेस ओप्रेस्ड पेजेंट्स यानी किसान ही थे, पर ब्रिटिशर्स बेटर ट्रेड, कॉमर्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और रूल ऑफ लॉ की मदद से इंडियन पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस की लॉयल्टी हासिल करने में सफल होने लगते हैं। उदाहरण के लिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के ओरिएंटलिस्ट व्यूज के कारण कई इंडियन एलीट उनके फॉलोअर बन जाते हैं। वहीं 1793 AD के परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कुछ जमींदार्स और मनी लेंडर्स उनके खास बन जाते हैं। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इंग्लिश को हायर कोर्ट्स की लैंग्वेज बनाकर मुगल सिस्टम्स को डिस्प्लेस करने लगते हैं। इसके अलावा 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स के कारण राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सोशल रिफॉर्मर्स उनके सपोर्टर बन जाते हैं। 1857 का रिवोल्ट आते आते कुछ अपर कास्ट जमींदार्स, प्रिंसली स्टेट्स के राजा, अर्बन एरियाज में रहने वाले एलीट्स और ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉयड कुछ अनटचेबल कास्ट्स ब्रिटिश रूल के हिडन बुलवर्क्स बन जाते हैं। इसी लेजिटिमेसी के कारण 1857 AD में फाइनली ब्रिटिशर्स एक अनसिविलाइज्ड तरीके से मुगल डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर II को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है और मेजर विलियम हडसन सारी हदों को पार करता हुआ बड़ी ही क्रूरता से अंतिम मुगल राजकुमारों को मौत के घाट उतार देता है। जिस जगह पर यह हुआ उसे आज भी खूनी दरवाजा के नाम से याद किया जाता है। आइए अब इस लेक्चर को समराइज करते हैं। समरी, ध्यान से देखा जाए तो मुगल्स अपने इंटरनल वीकनेसेस, कोर्ट कंस्पिरेसीज और ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण 19th सेंचुरी तक मिलिटरीली इररेलेवेंट हो गए थे, पर ब्रिटिशर्स बहुत ही श्रूडली अपने कॉलोनियल रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए मुगल एम्परर्स को 1803 से 1857 AD तक सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस तैयार होने के बाद वे 1858 AD के क्वींस प्रोक्लेमेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ मुगल रूल को फॉर्मली ओवरथ्रो कर देते हैं। 20th सेंचुरी आते आते इंडियंस को ब्रिटिशर्स की व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी में लूप होल्स नजर आने लगते हैं और एक लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद भारत फाइनली रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉलोनियल रूल से आजाद हो जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी ब्रिटिशर्स के मुगल्स को डिस्प्लेस करने की। हिस्ट्री सीरीज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करें। আসলে আমাদের যে ব্রিটিশ আমাদেরকে যে শাসন করেছে 200 বছর তার হিস্ট্রিটা আসলে অনেক বড়, কারণ না 200 বছর শাসন করেছে কিন্তু তার অনেক আগে থেকে কিন্তু তারা এখানে এসে বিজনেস করেছে, শুরু করেছে এবং তারপরে থেকে তারা প্ল্যান শুরু করেছে কিভাবে এখানকার রাজনীতিতে আসতে পারবে। 1649-এর দিকে তারা সম্ভবত প্রথম মানে আমাদের এখানে আসে, আমাদের এই ভারতবর্ষে।
তো তখন ভারতবর্ষে আসলে অনেকগুলো রাজা ছিল এবং বাদশাহ ছিল, তারা আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু শাসন করছিল। অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে মুঘল বাদশাহর আন্ডারে অনেক রাজারা ছিল যারা মানে স্বাধীনভাবে তাদের রাজ্য চালাতো, তো সেই রাজাগুলার মুঘলটা রুল কিন্তু সবাই ফলো করতো। বেসিক্যালি যেটা উনি বলতে চাচ্ছেন যে মুঘলদের রুল কিন্তু সবাই ফলো করতো সব রাজারাই। তো যখন তারা এসে দেখলো যে তারা ট্রেড করছে কিন্তু তাদের লোভ কিন্তু বাড়তে থাকলো, তারা তখন চিন্তা করলো যে মুঘলদের সঙ্গে কীভাবে মুঘলদেরকে কীভাবে রুল করা যায়। তো তারা কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করেছে এবং ১৫,০০০ ডলার মনে হচ্ছে, যাই হোক সেটা দিয়ে কিন্তু তারা সেটার ছাড় পেয়েছিল, জরিমানা পেয়েছিল তারা আর কি। আর এখানে কিন্তু শুধুমাত্র যে মোগল ছিল তা না, এখানে মোগল, তারপর রাজপুত, মায়ুর এবং বেঙ্গল, মারাঠা, তো এই অনেকগুলো প্রদেশের মতো করে ভাগ করা ছিল। প্রদেশ না, এগুলো আসলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রাজা ছিল, যেমন টিপু সুলতানের কাছে একটা রাজ্য ছিল, হ্যাঁ জাহাঙ্গীরের কাছে ছিল বাংলা, জাহাঙ্গীরের কাছে মনে হয় বাংলা, মোগল ছিল। হ্যাঁ, জাহাঙ্গীরই তো আসলে সবার প্রথম ব্রিটিশদেরকে বিজনেস করার জন্য পারমিশন দেয়। না, এর আগেও কিন্তু আসলে ব্রিটিশদের সঙ্গে তোমার ব্যবসায়িক কাজ কারবার হয়েছে, কিন্তু তারা 1600 শতাব্দীতে যখন এসছে তখন কিন্তু তারা একেবারে প্রিপারেশন নিয়ে এসছে যে এখান থেকে ব্যবসা করেই ছাড়বে। এর আগেও তারা এসেছে, কয়েকবার ব্যবসা করেছে, চলে গেছে এরকম, কিন্তু তখন কিন্তু তারা একটা প্রিপারেশন নিয়ে এসছে যে এখান থেকে ব্যবসা করবে এবং ফায়দা নিবেই তারা সেইভাবে। এবং যখন দেখলো যে তাদের ব্যবসায় লাভ হচ্ছে প্লাস, তখন তারা কিন্তু আসলে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে জনগণের মধ্যে থেকে যেটা লাস্টে দেখালো, জনগণের মধ্যে থেকে কিছু লোককে তারা এলিট শ্রেণীতে তৈরি করে তাদের মধ্যে একটা ডিভাইডেশন তৈরি করলো যে সাধারণ জনগণ, কৃষক একটা শ্রেণী, এলিট শ্রেণী, তারপর হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে যারা কাজ করছে তাদেরকে আর একটা ক্যাটাগোরাইজ করে, তাদেরকে ভাগ ভাগ করে তারা কিন্তু একটা শ্রেণী তৈরি করলো যেটা হচ্ছে যে সাধারণ জনগণ বা রাজার বিপক্ষে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তবে তারা বিজনেস করতে এসে সবার প্রথম যেটা করলো, যেটা 1649-এর দিকে এসে কিন্তু কিছু ফ্যাক্টরি স্থাপন করলো, হ্যাঁ আলাদা আলাদা জায়গায়, হ্যাঁ, এবং সেই ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে যখন মানুষ শহরের দিকে আসা শুরু করলো, তখন যিনি রাজা ছিলেন তিনি চিন্তা করলেন ঠিক আছে তাহলে তো তাদেরকে ব্যবসার পরিধি বড় করতে দেওয়া যায়, এবং সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কিন্তু ডিউটি ফ্রি মানে হচ্ছে বছরে একবার ট্যাক্স দিলেই হবে, বাকি সময় ট্যাক্স দিতে হবে না। তখন বাংলার যিনি নবাব ছিলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে তারা এটাকে মিস ইউজ করছে, তখন কিন্তু তারা সেই রোলটাকে বন্ধ করে দেয়। আর এর মাঝখানে পানিপথ যুদ্ধ ছিল, এই জায়গায় ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে থাকলো, কিন্তু এখানে এই আধিপত্যের সাথে সাথে কিন্তু মোগলদের সাথে পারস্যের যে রাজা ছিল তারও কিন্তু একটা যুদ্ধ হয়ে যায় মাঝামাঝি সময়ে। আর ভারত উপমহাদেশে যে সমস্ত রাজা বাদশাহ ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, যে কারণে হচ্ছে তারা কিন্তু জানতো যে কোন রাজার এখানে কী ধরনের ফ্যাক্টরি স্থাপন করছে ইংরেজরা, এবং তারা যেহেতু সবাই বন্ধুসুলভ ছিল যে কারণে হচ্ছে তারা ইংরেজদেরকে দেখা যাচ্ছে যে সুযোগটা দিচ্ছিল অন্য রাজা যেভাবে দিচ্ছিল, এবং ইংরেজরা ঠিক সেই সুযোগটাকেই কিন্তু কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে 200 বছর শাসন করে গিয়েছে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মানে ডিভাইডেশনটাকেই তারা বেশি কাজে লাগিয়েছে, যে সব রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে তারা আসলে বন্ধুত্ব সম্পর্কটা দূর করে দিয়ে তাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করেছে। কারণ যে কোনো একটা জায়গায় যদি তুমি ইনভেস্ট করো তাহলে সেখানে হচ্ছে সব কিছু উন্নত হবে, জনগণের সুবিধা ভোগ করবে, তো আরেক রাজা দেখলে তার তো খারাপ লাগবেই যে আমার এখানে কেন ইনভেস্টমেন্ট হলো না বা আমার এখানে এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিতে পারে। এবং সাধারণ জনগণও কিন্তু তখন যেমন শ্রমিকরা এখন অনেক ব্যাপারে আন্দোলন করে, তো তখনও সেরকম সেই ক্যাটাগরিতে মানুষ তো আন্দোলন করতেই পারে, তো সেই আন্দোলন থেকে দেখা গেছে যে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক থেকে শত্রুতা সম্পর্কটাই বেশি হয়েছে এবং সেই সুযোগটাই তারা কাজে লাগিয়েছে। হ্যাঁ, আর ইংরেজের 200 বছরের মধ্যে কিন্তু 200 বছরে ওরা পুরো ভারতবর্ষকে শাসন করেনি, শেষের দিকে যখন 100 বছর মানে 1858 থেকে তারা একদম পুরোপুরি ভারতবর্ষকে মানে বর্তমান ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই পুরো রাজ্যটাকে তারা কিন্তু শাসন করেছে, এবং ফাইনালি অনেক যুদ্ধ এবং অনেক ত্যাগের পর হচ্ছে 1947-এর দিকে যথারীতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসে।
তো যাই হোক, এখান থেকে আমরা অনেক রাজা সম্পর্কে জানতে পারলাম, অনেক পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারলাম। আর আজকে আমাদের এই ভিডিও রিয়াকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।